बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी तो इधर आज हम पहुँचे हैं इस विलेज के अंदर एक बूढ़े माँ बाप के पास। वो माँ जी जो है ना वो नाबीना है, दोनों आँखों से देख नहीं सकती। ऐसी कोठड़ी के अंदर रहते हैं जो आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा जो है ना वो बहुत ही खस्ता हालत में है। उनका मकान भी देख सकते हैं कि वो किस मकान के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनका मकान भी देख सकते हैं, अंदर बैठे हुए बूढ़े माँ बाप हैं, उनको आपसे मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस घर के अंदर इस गर्मी के अंदर यानी वो कैसे माँ बाप इस घर के अंदर ज़िंदगी गुजारे। तो हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं उस बूढ़े माँ बाप के पास, उनसे पूछते हैं कि वो इस खस्ता घर के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आप ये देखें, जब बंद होता बंद ही नहीं होता होगा मुझे लगता है कि कितने खस्ता हालत में है। और ये जो है ना ये इनका सामान है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। सलाम, क्या हाल है चाचू? दुआएं करें ना बच्चे जी, बेसे ठीक है आपके? तभी ठीक हो गया, दाइयों बैठे हुए हैं। ये आपको क्या हुआ है? आपको डटा है, सट लगी है, पैसा कोई नहीं, पट्टी से खाना चाय में चारा न दीते तो पट्टी से खाना न दीते तो बैठा से खड़े देते मकान में रही हुए भूख दी हड़ताल है, पैसे की हड़ताल है, ऐसा कितने मरू गरीब बन जाए दे ना गया बन जाए ना कहियो कर दे। मतलब आपका बेटा वगैरह कोई है? नहीं, बेटा भी नहीं, जबकि वफा रखती है। ओ तो इसी मकान के अंदर आप? इसी मकान जो ना था। कैसे गुजारा कर लेते? यार गुजारा करेंगे तो हम क्या कमाऊं? पहले मैं चले ढाई महीने, चलो उतने ढाई महीने जल पाला लगे, चलो तब ये थे जल पाला लगे थे उतने आवे ना क्या कमाऊं? गुजारी करने था ये उनके कहने पर अबू है तो मैंने कि चमन ढाई बंदा। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हालात खराब है, वो कोलो मर गया है, बाहर से महंगे असर ना भाजी चाना जाए ना चरा जाए, बाडू में बैठा है खड़े देते कोई मेहरबानी थी संगत अभी करे जा सारी मुसीबत खड़ा चार आठ जलवान की मैं पट्टी रखा हुआ जा। जा तो आप ये बताएं जो हमारे बहन भाई आप लोग को देख रहे हैं, जा अगर आपकी हेल्प करना चाहें। जा बड़ी दुआ रहे था, इतनी दुआ था बच्चा को डाल के पीढ़ी की दुआई देता था। जी जा दुआ करते रहे। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी क्या हाल है? ते हालात के बे हालात है चक्कर मकान का नहीं, ये गरीड़ा ये पाड़ा तीरे। तो आप दोनों आंखों से नहीं देख सकती, तो आपका वॉशरूम भी नहीं है, गुसल खाना भी नहीं है, चार तो दीवारें भी नहीं है, कैसे गुजारा कर ले? बस ये ना कक्का मुठा के गुजारा की थी, पैसे मित्र तीरे करनी था, तो आपको दुआ करे के कर पौधा पीछे दे दे ना करे तो आज मर भी बेटा जी दे थोड़ी जी सुदा तो आपको दुआई के दे। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अम्मा जी आप ये बताएं आपको क्या दिया जाए, आपकी क्या ख्वाहिश है? या किन मिताजी ते खंग ते ये सामादा ते बुखार ते मकान ही कानी है, चोरी नी से लैटरी ना कानी नलके कानी तेरे बड़े नलके ते वजू कर रहे हो से आसानी मान पड़ी क्या करो। जी तो इवार आपने अल्लाह रे दी मेरे जे कदे हो दी बेल पोती के पीछे दुआ है ना पले तवाली सारी दुआ है। जी तो इधर आपने सुना होगा इस बूढ़े माँ बाप के हालात के, उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो है ना वाटर पम्प भी नहीं है जिस पर हम वजू कर सकें, नमाज अदा कर सकें। अम्मा जी का कहना है कि मैं बहुत बीमार हूँ, सांस की तंगी है और मैं बूढ़ी माँ देख भी नहीं सकती। इंसान जब देखता है तो वो बहुत से काम भी कर लेता है, ये बूढ़ी माँ देख भी नहीं सकती, इसी झोंपड़े में रह रही हैं, पता नहीं इनका कैसे गुजारा हो रहा होगा। अल्लाह के लिए इनकी हेल्प करें, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अगर आप किसी के लिए भला चाहेंगे और तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमा देंगे। तो आए सब मिलकर इनकी मदद करते हैं।
अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अम्मा जी जैसे देख रही हैं बहुत ही नाजुक हालात में हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं दवाई लेने के लिए, आओ इनकी मिलकर मदद करें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह।